हेलो एवरीबॉडी मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नितेश सर नोट्स तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ऑन द पार्ट टू वीडियो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तो मैटर कौन से तीन स्टेट में रहते थे सॉलिड लिक्विड और गैसेस में तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पार्ट टू वीडियो देखे दिस इज़ द पार्ट थर्ड वीडियो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द मैटर चेंजेस इट्स स्टेट सो लेट स्टार्ट द वीडियो सो कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट तो आपको क्या लगता है कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है तो जब आप लोग देखते होंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड गैसेज में कन्वर्ट होते हैं तो क्या है कुछ ना कुछ वहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर का चेंज होता है तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से ये मैटर स्टेट अपना चेंज करता है इसका डेली डे टू डे एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा रोल होता है तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज करता है और इसका डेली एक्टिविटीज़ में क्या क्या फेनोमिन हम लोगों को दिखाई देता है वो भी आज हम लोग देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सो वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर तो हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन से क्या देखते हैं कि मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो थ्री स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहले सॉलिड एज आइस फिर लिक्विड एज फिमिलर विदर और तीसरा गैस एज वाटर वेपर तो सॉलिड लिक्विड गैस का एग्जाम्पल सिर्फ किससे दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ वाटर से दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल टोटल किससे दिया गया है वाटर से अगर वाटर को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो वो आइस बच जाता है और वो सॉलिड हो जाता है वाटर को अगर नॉर्मल जीरो डिग्री टू फोर डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा वो लिक्विड ही रहेगा और हंड्रेड डिग्री तक जाते जाते वो क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर गैस हो जाएगा तो यही वाटर क्या होता है लगातार अपना स्टेट चेंज करता है एंड दिस चेंजेस ऑफ स्टेट इज से टू एज द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर सो वॉट हैपन्स इन साइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट तो अंदर में क्या होता है जब मैटर अपना स्टेट को चेंज करता है तो उसके भीतर क्या होते रहता है सो व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ़ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट और जब क्या होता है कि अगर पार्टिकल ऑफ़ मैटर अगर चेंज ऑफ स्टेट होगा तो उसमें क्या क्या गतिविधि चलती रहती है उसके बारे में भी देखना है सो हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस ये कैसे होता है ये चेंज ऑफ स्टेट वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इजेंटेड तो हम लोगों को क्या करना है इसका जवाब देना है ऐसा है कि नहीं है तो चलिए हम लोग जवाब देखते हैं क्या होगा चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर हम लोग एक्टिविटी से देखेंगे तो so सबसे पहले हम लोग को क्या ले लेना है एक बीकर ले लेना है ये बीकर में क्या करना है कुछ आइस भर लेना यहाँ पे क्या है आइस है इसमें आइस ले लेना है और ये बीकर है उसमें एक ग्लास स्ट्रीपर ले, ले लेना है जिससे उसको घोला जा सके और एक थर्मोमीटर जो कि लैब थर्मोमीटर होता है उसको ऐसे रखना है जिसका कॉन्टेक्ट कहाँ पे हो आइस में हो और नीचे ये क्या है

और टोटल तो, टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना जब आइस किस में कन्वर्ट होने लगेगा वाटर में रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फ़ॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू तो लिक्विड स्टेट अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लेना है जब कन्वर्ट होगा सॉलिड किस में लिक्विड स्टेट में न अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टेरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग और फिर एक ग्लास रॉड ले लेना बीकर में और हीट करना है और उसको घुमाते रहना है टिल वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग जब बॉयल करता वाटर क्या करने लगेगा बॉयल करना शुरू कर देगा कीप अयरफुल आइज ऑन दर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वॉटर है लगातार थर्मोमीटर को देखते रहना है जब तक वॉटर वेपोराइज हो जाता है ठीक है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वॉटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट और अपने ऑब्जर्वेशन को लिख लेना कन्वर्जन ऑफ वॉटर जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तब सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस तो जब हम लोग क्या करेंगे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ़ द पार्टिकल ऑटोमेटिक क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा जो कि हम लोग सबसे पार्ट वन के वीडियो में डिस्कस किए थे व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज नाउ ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तब क्या हो जाएगा पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देगा विद अ ग्रेटर स्पीड बहुत तेज़ी से क्या होगा पार्टिकल इस तरह से इधर 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 इधर, इधर, इधर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा ना द ए एनर्जी सप्लाइड हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और यही एनर्जी जो सप्लाइड किए थे बाई द हेल्प ऑफ हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है उससे क्या हो गया वो बाहर आना शुरू कर दिया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्ट टू के वीडियो में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें बात किए थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा तो जैसे अगर हम लोग हीट देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटना शुरू हो जाएगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे 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 दूर होना शुरू हो गया बाय द हेल्प ऑफ हीट ना द पार्टिकल्स लीव दियर फिक्स पोजिशन स्टार्ट मूविंग फ्रीली अब पार्टिकल क्या करेगा अलग हो गया है अपना फिक्स पोजिशन को छोड़ देगा और वो लगातार मूव करना शुरू कर जाएगा फ्रीली मतलब एक दूसरे से अटैच नहीं होगा वो पार्टिकल so ठीक है सो आई स्टेज स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड टू लिक्विड तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जब कहाँ पर पहुँच जाएगा सॉलिड ऐसे जगह पर आ जाएगा जब ये कन्वर्ट होने लगेगा किस में लिक्विड में क्यों क्योंकि हीट हम लोग दिए थे और जब हीट दिए थे तो क्या हो गया था पार्टिकल फ्रीली मूव करना शुरू कर दिया था तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में ना द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो यहाँ से एक डेफिनेशन मिल जाता है इस डेफिनेशन को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा वो डेफिनेशन कहता है था मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड यानी वो सबसे कम से कम तापमान जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर जो ए प्रेशर होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वट इज़ ए प्रेशर तो वो ए प्रेशर पर क्या हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा जो मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर है सो so, कहता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कहता है सॉलिड का तो ये एक तरह का इंडिकेशन है उसके स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मान लीजिए पार्टिकल है और ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका कितना स्ट्रेंथ में टूट जाएगा वो है इंडिकेशन बिटवीन द पार्टिकल्स तो इसके बीच में अगर अट्रैक्शन है मान लीजिए दो पार्टिकल बहुत अपने आपस में बाइंड है तो कितना स्ट्रेंथ लगेगा उसको तोड़ने में वही उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है नौ सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैल्विन सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इंटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन और हम लोग डायरेक्टली कितना ले, ले लेते हैं टू सेवेंटी थ्री कैलविन और कहता है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन तो यहाँ से एक और डिफिनेशन किसका मिल गया फ्यूजन का ठीक है तो कहता है चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में और इस स्टेट को क्या बोलेंगे फ्यूजन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे फ्यूज़न नो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेंस द सेम सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो तो कहता है जब सॉलिड मेल्ट होता है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है रिमेंस द सेम मतलब वही सेम रह जाता है तो इसका हीट कहाँ चला जाता है वेयर द हीट गो सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल ऑल द आइस मेल्ट दिस है इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर अब हम लोग क्या कर रहे थे कि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेल्टिंग वाला जो वहां पर बीकर और ट्राईपोड स्टैंड से जाकर कर रहे थे तो वहां टेम्परेचर क्या हो रहा था लगातार सिस्टम को ले रहा था लेकिन डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच तो वो क्या हो रहा था टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जब तक रीच हुआ जब तक पहुंचा

सो एज दिस हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द आइस विदाउट सोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर इसी कारण से एज दिस हीट एनर्जी इज की ये हीट एनर्जी क्या हो रहा था एबजॉर्ब हो जा रहा था बाय द आइस कौन एबजॉर्ब कर रहा था तो आइस एब्सॉर्ब कर रहा था विदाउट सोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर तो इसीलिए कोई भी राइज इन टेम्परेचर उसमें सो नहीं कर रहा था

तो क्या कहेंगे द हिडन इंटू द कॉन्टेंट ऑफ द बीकर द एनर्जी दैट इज हिडन टू द कॉन्टेंट ऑफ द बीकर इज एज इट्स लेटेंट हिट सो दर्डेंट हिट लेटेंट मीन्स हिडन तो लेटेंट का ही मतलब क्या होता है हिडन यानी छुपा हुआ होता है सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज वन के जी ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट्स एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो लेट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन कहाँ से मिल गया तो इसको भी नोट डाउन कर लेना है कि एक के जी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा इन द एटमोस्फेयरिक प्रेशर मतलब कब होगा एट एटमोस्फेयरिक प्रेशर पर एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंड हीट ऑफ फ्यूजन तो उसको क्या बोलेंगे लेट हीट ऑफ फ्यूजन तो एक के जी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहा है एटमोस्फेयरिक प्रेशर पर तो वही मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा जब मेल्टिंग पॉइंट रीच करेगा तो लेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा सो पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स एज आइस एट द सेम टेम्परेचर तो कहता है पार्टिकल ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी उसमें क्या होगा एनर्जी ज़्यादा होगा किस जो आइस है कंपेयर टू द पार्टिकल्स और इन आइस एट द सेम टेम्परेचर तो जो पार्टिकल है जिस आइस का पार्टिकल है उसी टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा जो आइस होगा जीरो डिग्री सेल्सियस पे उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा सो वेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर तो हीट एनर्जी जब सप्लाई करता है वाटर को तो क्या होगा पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करने लगेगा ठीक है सो एट अ सर्टन टेम्परेचर अ पॉइंट रीज वन द पार्टिकल हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर तो एक पॉइंट ऐसा रीच हो जाएगा ऐसा जगह पहुंच जाएगा जब पार्टिकल क्या करेगा उसके पास एनफ एनर्जी आ जाएगा टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसके बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के मतलब तोड़ सकेगा तो एक दूसरे से क्या टूटने लगेगा सो एट दिस लगेगाचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इन टू गैसेज यही वो टेम्परेचर होगा जब लिक्विड क्या करेगा स्टार्ट चेंजिंग इंटू गैस यानी कि लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में नाउ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो यहां से कौन सा डेफिनेशन आ गया इसको भी नोट डाउन कर लेना है कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो वैसा टेम्परेचर है जब लिक्विड क्या करने लगेगा बॉइल करने लगेगा खोलने लगेगा किस में तो एटमोस्फेयरिक प्रेशर में उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं सो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनल पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनअ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट तो बॉयलिंग एक क्या है बल्क फिनन है बहुत ही भारी भरकम फिनलनलनल है सो so, पार्टिकल क्या हो जाएगा बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनअ एनर्जी तो वो क्या करेगा बहुत ही एनफ एनर्जी को गेन कर लेगा और किसमें चेंज हो जाएगा चेंज इन वेपर स्टेट तो यहाँ कन्वर्जन है फॉर वाटर इज दिस टेम्परेचर 373 सेवेंटी थ्री केलविन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो जो आइस था कितने पे था टू सेवेंटी थ्री केलविन था टेम्परेचर राइज कितना हुआ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो 100 क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो जो राइस करेगा वाटर वेपर बनेगा कितने पे हो जाएगा? 373 केल्विन पे हो जाएगा। तो थ्री केल्विन फॉर आइस हंड्रेड केल्विन फॉर राइज इन टेम्परेचर सो टोटल थ्री केल्विन पर वो क्या हो जाएगा बॉयल करना शुरू कर जाएगा और वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा नाव कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो आप क्या डिफाइन कर सकते हैं लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन तो हम लोग क्या किए थे डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन तो जैसे फ्यूजन को डिफाइन किए थे उसी तरीके से लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी डिफाइन करना है सिर्फ उसको चेंज कर देना है कि वेपराइजेशन में क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा तो चलिए देखते हैं सो पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर तब जो लिक्विड था उसका मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर जो सेम टेम्परेचर पे वाटर था दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्व एक्स्ट्रा एनर्जी तो पार्टिकल ऑफ स्टीम क्या किया था एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया था इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अब वो किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब किया था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में वो एब्जॉर्व कर लिया था सो so सॉलिड से क्या हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट होगा लिक्विड से गैसिस स्टेट में जब इसको हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट और ज़्यादा हीट करेंगे तो गैसिस स्टेट जब इसको कूल cool करेंगे तो लिक्विड स्टेट और ज़्यादा कूल cool करेंगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा सो वी इन दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इन टू अनदर स्टेट बाई चेंजिंग द टेम्परेचर तो हम लोग क्या इससे निष्कर्ष निकल सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज कर सकता है एक दूसरे स्टेट में बाई चेंजिंग द टेम्परेचर तो टेम्परेचर बदलेंगे वो क्या करेंगे कूल cool करेंगे तो फिर गैस से लिक्विड में आ जाएगा फिर कूल cool कर देंगे तो लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा फिर टेम्परेचर चेंज कर देंगे इसको हीट कर देंगे तो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा फिर इसको हीट कर देंगे और ज़्यादा तो ये गैस स्टेट में आ जाएगा सो वी हैव लर्न दैट सबस्टैस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्राम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट बट तो हम लोग क्या देखें कि सब्सटेंस हम लोग के सामने जितना भी है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है लिक्विड से गैस में बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट यानी गर्म करने के ऊपर बट देयर और सम चेंजेस दैट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेज के स्टेट एंड वाइस वर्जा विदाउट द चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट तो कहता है कुछ कुछ ऐसे चीज़ों में सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता था सॉलिड से डायरेक्ट गैस के स्टेट में तो इस तरह का अगर कुछ होगा या वाइस वर्षा होगा तो क्या होगा इसमें तो ये कन्वर्जन डायरेक्ट सॉलिड लिक्विड और गैस के कम्पेरिजन पर तो नहीं जा रहा था सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा था डायरेक्ट तो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा था सो so, चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं सो टेक सब कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड क्रस इट एंड पुट इट इन चाइना डिस्क तो कुछ कैम्फर यानी कपूर ले लेंगे या फिर एमोनियम क्लोराइड ले लेंगे ले और उसको क्रस करके क्या करेंगे एक चाइना डिस्क में ले लेंगे पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिस्क तो चाइना डिस्क के ऊपर इस तरह का इन्वर्टेड फनल अभी फिगर में हम लोग देखेंगे किस तरह से लेना है पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज सोन इन द फिगर वन पॉइंट सेवन तो कुछ इस तरह से क्या करेंगे फिगर जैसे दिया हुआ है यहाँ पे चाइना डिस है चाइना डिस में अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर ले, ले लेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड फनल लगा देंगे इस तरह से उल्टा करके और कॉटन प्लग ऊपर में लगा देंगे यहाँ पे। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एव एक्टिविटी अब इसको धीरे से क्या करेंगे यहाँ से हीट करना बर्नर से प्रोवाइड शुरू कर देंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा अचेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन तब यहाँ से एक डेफिनेशन मिल गया किसका सब्लीमेशन का तो इसको भी नोट डाउन कर लेना है नोटबुक में व्हाट इज सब्लीमेशन तो अचेंज ऑफ स्टेट एक चेंज ऑफ स्टेट होता है डायरेक्टली कैसे सॉलिड से गैस में हो जाता विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड तो ये जो कैम्फर था या एमुनियम क्लोराइड था वो क्या किया डायरेक्ट लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया एंड द डायरेक्ट चेंजेस ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन अब कहता है एक और डेफिनेशन है द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इंटू सॉलिड अब ये गैस डायरेक्ट चीज में चेंज हो जाएगा सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इंटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन तो एक और डेफिनेशन क्या मिल गया डिपोजिशन का इसमें क्या हो जाएगा कि गैस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है तो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो सबलिमेशन जो हो गया सॉलिड से गैस में हो गया और डिपोजिशन जो हो गया वो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर गया था ना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेसर सो वी ऑलरेडी लर्न दट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिचुएंट पार्टिकल्स था हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि क्या है डिफ्रेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर जो अलग अलग वेरियस स्टेट ऑफ मैटर में कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें होती थी डिफरेंसेज होते थे इज ड्यू टू द डिफरेंसेज इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिचुएंट पार्टिकल्स जो डिस्टेंस होता कंस्टिचुएंट पार्टिकल के उसी के डिफरेंस के कारण क्या होता था वहाँ पर डिफरेंसेज होते थे सो वॉट विल हैपन वेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेसर गैस तो क्या होगा जब हम लोग प्रेशर स्टार्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगेंगे उस पार्टिकल पे और उस गैस को क्या करने लगेंगे कंप्रेस यानी दबाना शुरू कर देंगे कम प्रेसिंग या गैस इनक्लोज इन सिलेंडर वट विल दार्टिकल विल द पार्टिकल कम क्लोजर तो क्या पार्टिकल क्या क्लोज मतलब सामने आ जाएगा डू यू थिंक दट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द प्रेसर कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मैटर तो क्या आपको लगता है कि अगर डिक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो प्रेसर को तो क्या हो जाएगा मैटर का स्टेट चेंज होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक पिस्टल लगा दिए यहाँ पे कुछ पार्टिकल रख लिए है और उसको क्या किया प्रेस करके और जगह छोटा इसको बना दिया तो पार्टिकल क्या हो जाएगा क्लोज़र हो जाएगा अब पिस्टन को और ज़्यादा पुश किए तो पार्टिकल क्या हो जाएगा बहुत ही क्लोज़र आ जाएगा तो यहाँ पे पार्टिकल का दूर दूर है ये सब पार्टिकल इसमें और क्लोज़ आ गए इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए सो बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉड क्लोजर टुगेदर थे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए इसमें दूर दूर थे ठीक है सो अपलाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस तो अगर हम लोग प्रेशर को अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं तो ये क्या करता है लिक्विफाई गैसेज यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है सो हैव यू हर्ड ऑफ़ सॉलिड कार्बन डाईऑक्साइड तो क्या आपने सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जिसको सी ओ टू से बनता है सो इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर ये क्या होता है बहुत ही हाई प्रेशर में स्टोर होता है सॉलिड सीओ टू गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट और यही सॉलिड सी ओ टू क्या होता है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसिस स्टेट में ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है ऑन डिग्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ वन एटमोसफेयर विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट तो एक एटमोस्फेयर का प्रेशर अगर घटता है तो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो गैसिस स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट तो ये डायरेक्ट लिक्विड स्टेट पर नहीं आएगा

गैस हो सकते हैं सो दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर यानी कि इंटर कन्वर्जन लिक्विड से सॉलिड में और सॉलिड से गैस में और गैस से लिक्विड में तो अगर सॉलिड से लिक्विड में होगा तो क्या हो जाएगा फ्यूजन होगा लिक्विड से सॉलिड में हो जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन फिर उसके बाद लिक्विड से गैस में जाएगा तो वेपोराइजेशन गैस से लिक्विड में जाएगा तो कंडेंसेशन अगर गैस से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में तो सब्लिमेशन और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो डिपोजिशन जो उसके सबका सब डेफिनेशन सब दिया हुआ चैप्टर में सबके डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेना सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू